सब लोग सहमत है ना मित्रों? ये रास्ता जो शांति का प्रशस्त हुआ है, वे पूरे क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले जाने वाला रास्ता है। और मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने भी कई समझौते किए, मगर समझौते कभी समाप्त नहीं होते थे, उनकी अनुपालना नहीं होती थी। वादे तो बहुत करते थे, वादे पूरे नहीं होते थे, मगर मैं आपको बताता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो वादे प्रधानमंत्री करते हैं उसी को अपने ही कालखंड के अंदर समाप्त करते हैं। ये बोडो शांति समझौता कर प्रमोद जी मेरी ऑफिस में आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि सारी चीजों का अनुपालना होना चाहिए। और मित्रों, मैंने उनको वादा किया था कि हम चुनाव के पहले पहले ये सारी चीजों को समाप्त कर आपके लिए और बोडो क्षेत्र के लिए शांति का काम करेंगे। मित्रों, आज मुझे कहते हुए हर्ष रो रहा है, जब एक साल समाप्त हो रहा है बीटीएडी के आसपास के लिए जो बोडो संगठन की मांग थी कि जनजातीय बाहुल्य आबादी वाले गांवों को बोडो क्षेत्र के अंदर समाप्त शामिल किया जाए और 60 सीटों तक ले जाने के लिए, यहां से लो ऐसा करना, 60 सीटें बनाने के लिए भी विचार की जाए और इसके लिए एक आयोग का गठन काम करने का काम हमने समाप्त कर दिया है। ये आयोग अब आसपास के गांवों का सर्वे कर निर्णय करेगी। बीटीएडी को बीटीआर के रूप में नामकरण करने का मांग था, उसको भी कर दिया गया है और ये पूरा क्षेत्र अब बीटीआर के नाम से जाना जाएगा। बीटीआर के बाहर रहने वाले बोडो गांव के विकास के लिए बोडो कचारी वेलफेयर काउंसिल का भी स्थापना कर दिया गया है, जो छुटपुट बोडो भाई रहते हैं उनके विकास के लिए भी असम सरकार चिंता करेगी। और बीटीसी और बोडो काउंसिल वेलफेयर काउंसिल के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक सलाहकार समिति बनाने का भी काम कर दिया है। नए पदों का सृजन और खाली पद है इसकी भर्ती के लिए असम के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें गृह विभाग के भी प्रतिनिधि होंगे। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी शरणार्थियों को 4 लाख रुपए की जो सहायता देनी थी, आज आपके सामने भी उसका चेक देने की शुरुआत भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। बोडो भाषा को सम्मान देने का हमने वादा किया था, असम के मुख्यमंत्री और हेमंत विश्व शर्मा बैठे हैं, असम सरकार ने राज्य की सह राजभाषा का दर्जा बोडो लैंग्वेज को देकर आज वर्षों पुरानी मांग समाप्त कर दी है। बोडो मीडियम के स्कूल खोलने के लिए भी अलग डायरेक्टरेट स्थापना करने का काम शुरू कर दिया गया है और डायरेक्टरेट को निर्देशालय को स्थापित भी कर दिया गया है। असम सरकार उदुलगढ़ी, बक्सा और चिरांग में 3 मॉडल डिग्री कॉलेजों की भी स्थापना कर रही है। हमारा एक और वादा हमने पूरा कर दिया है। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा के नाम पर उत्कृष्ट सांस्कृतिक परिसर, इसकी स्थापना की भी प्रक्रिया हो गई है। चुनाव के पहले पहले इसकी स्थापना को भी हम परिपत्रित कर उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। मुझे घोषणा करते हुए बहुत आनंद हो रहा है मित्रों कि 500 करोड़ रुपए सिर्फ बोडो क्षेत्र के रोड नेटवर्क के लिए आवंटित किए गए हैं और ये रोड का जाला समग्र बोडो क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले जाएगा। मित्रों, बोडो समझौते में 5000 करोड़ का जो पैकेज निर्धारित किया गया था,
इसमें सारी मांग होने के बाद ऊपर मैंने जो गिना है उसके अलावे 750 करोड़ रुपया और उसकी 65 योजनाओं को हमने चालू कर दिया है और उसमें से 570 करोड़ रुपया अलग से आवंटन भी हो चुका है। मित्रों, मैं यहां पर आज वादा करने आया हूं कि बोडो जनजाति के हर अधिकार को, बोडो संस्कृति को, बोडो भाषा को हम सुरक्षित रखेंगे, इसका संरक्षण भी करेंगे, इसका संवर्धन भी करेंगे और उसको आगे भी बढ़ाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार मानती है, इस देश के प्रधानमंत्री मानते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही एक मंत्र है जो भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है। और प्रधानमंत्री जी का सीधा ध्यान है बोडो समझौते का अमल कैसे हो रहा है। और मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक हर प्रकार की प्रगति को हम सुनिश्चित करेंगे और साथ ही साथ आपके राजनीतिक अधिकारों का भी सुरक्षा हम करेंगे। उचित स्थान बोडोलैंड के हमारे प्रतिनिधियों को असम सरकार के अंदर भी मिलेगा। मित्रों, असम के अंदर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके साथ ही शांति, विकास और रोजगारी के एक नए युग की शुरुआत हुई। असम के अंदर सालों से अलग अलग नाम से युवाओं को गुमराह किया जाता था। कभी संस्कृति की बात करते थे, कभी भाषा की बात, कुछ नहीं होने वाला। असम की संस्कृति और भाषा को आपसे ज्यादा सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, इसका ठेका किसी एक पार्टी का नहीं। और ये कांग्रेस पार्टी सालों तक असम को रक्त रंजित करती रही और अलग अलग प्रकार के आंदोलन करते रहे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये आंदोलन न हुए होते तो आज हमारा असम कहां पहुंचा? सर्वानंद जी को मुख्यमंत्री बनाया, हेमंत जी सीनियर मंत्री बने, आज 5 साल में जो 70 साल में विकास नहीं हुआ था वो विकास असम का हुआ है और ये शांति प्रक्रिया के लिए है। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि असमी, नॉन असमी, बोडो, नॉन बोडो, ये झगड़े खड़े करने वाले लोगों को पहचान लीजिए, ये हमारे विकास के लिए नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं। और समय आ गया है कि असम की जनता को ऐसे लोगों को सबक सिखाने का। मित्रों, कल ही प्रधानमंत्री आए थे, लगभग 1.06 लाख जमीन के पट्टों का वितरण किया। हमारे प्रमोद जी ने भी यहां पर वो पट्टों का वितरण किया। और मित्रों, जिस प्रकार से कोविड महामारी का असम सरकार ने सामना किया है, मैं हृदय से मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस विकट लड़ाई को बहुत अच्छे तरीके से दोनों ने नेतृत्व किया है। पूरी दुनिया के अंदर 1% के नीचे मृत्यु दर लाना बहुत कठिन माना जाता है और मुझे कहते हुए आनंद है कि असम का मृत्यु दर पूरे भारत में सबसे कम बड़े राज्यों में 0.47% है, 0.5% से भी नीचे है। और जो लोग बीमार हुए उसमें से 98% लोग आज स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लौट गए हैं। मैं फिर से एक बार असम के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, ये दोनों की जोड़ी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, टीकाकरण का जवाब जहां तक सवाल है, ढेर सारे केंद्र बनाकर टीकाकरण को भी अच्छे तरीके से शुरू हो गए और असम को, पूरे असम के अंदर मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज भेजने का काम किया, धान भेजा, गेहूं भेजे, दलहन भेजे,
किसानों को 3 बार सहायता भेजी, फ्री गैस के सिलेंडर भेजे, माताओं के बैंक अकाउंट में 3 बार 500-500 रुपया भेजा गया और 4 लाख कामगार जो बाहर से आए थे उसको असम सरकार ने 4,000 रुपया प्रति व्यक्ति देकर उनके संकट के समय में सहायता की है। और जो विदेश में पढ़ रहे थे छात्र उसको भी $1,000 की सहायता करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की असम सरकार ने किया है। मित्रों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुवाहाटी में लगभग नया चिकित्सा महाविद्यालय 800 करोड़ की लागत से, एक एम्स टाटा ग्रुप के साथ कैंसर अस्पताल, ढेर सारे काम यहाँ पर किए गए हैं। और सबसे बड़ा काम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा असम गैंडों से जाना जाता है, ये धरोहर है हमारी।